today we are preparing for Olympiad exam class 1. So we have a sample paper of 2021. So let's start. हमारा first जो हमारा portion होगा वो होगा logical reasoning का. So let's do. There are dash groups of four bags each can be formed. हमें एक picture दे रखी है, उसमें से हमें four bags का groups बनाने हैं. 1, 2, 3, 4. ये बन गया एक. 1, 2, 3, 4. एक group ये बन गया. तो answer will be 2. Who is at the first position? फर्स्ट पोजीशन वही होता है जो फिनिश लाइन के पास पहुंच जाता है. सो दिस इज द वन अंजू, ना कि ये वाली. सो द आंसर इज अंजू. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन विल कंप्लीट द पैटर्न इन अ गिवन फिगर. हमें एक फिगर दे रखी है और हमें चूज करना है कौन सा पैटर्न इसके अंदर सही फिट बैठेगा. देखिए ये तो बैठेगा नहीं क्योंकि ये दोनों बॉक्सेस खाली हैं, ये बॉक्सेस सारे भरे हुए हैं, तो इन दोनों में से बैठेगा कोई. अब इसमें देखिए यहाँ पे ये शेडेड एरिया है, ये शेडेड नहीं है. तो आंसर इज ऑब्वियसली क्लियर, ए is the answer. Next, shape dash and a will shape dash and dash will form a square. देखिए ये already square बना हुआ है, this is not an answer. ये circle ही आधा circle है, semi circle है. So answer क्या होगा? P and R. So answer will be P and R. P and R. P and R will form a square. Next is the shortest one. इस picture में से हमें find करना है सबसे shortest picture कौन सी है, कौन सी है जो picture सबसे shortest है, जो हमें दिख रहा है वो है ये वाली. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न. हमें पैटर्न दे रखा है 3, 6, 9, 12, 18, 21. देख के ही समझ में आ रहा है कि इट्स अ स्किप काउंटिंग ऑफ 3. सो क्या आएगा 3, 6, 9, 12 के बाद क्या आता है 15 एंड देन 18 एंड 21 और उसके बाद आता है 24. विच वी डोंट हैव टू कंप्लीट दिस, वी हैव टू आंसर दिस वन. सो वी विल आंसर दिस वे दिस वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question says, if Karthik's birthday falls on 4th Tuesday, now it says 4th Tuesday, यानी कि जो 4th Tuesday calendar के अंदर है, of a calendar, January दे रखा हमारे को, उसका जो 4th Tuesday है, 1, 2, 3, 4th, इससे fall करता है, then on which date will he be celebrate his, will he be celebrating his birthday? So he will be celebrating birthday on 28th of January. That is a 4th Tuesday of the month of January. Next question, what is kept on the table? It is the cake. Very simple. Next question. Rabbit is related to carrot. इसे हमें समझ में आ रहा है कि rabbit carrot खाता है. In the same way, monkey is related to what? Pizza तो खाएगा नहीं, apple भी नहीं खाता ज़्यादा, उसे पसंद क्या आता है? Banana. So we will choose this one. Which of the following object can roll but not slide? ऐसा object find करना है जो slide नहीं कर सकता लेकिन roll कर सकता है. तो ये तो slide करेगी, ये भी slide करेगी, जिसकी भी base है वो slide करता है, ये भी base slide करेगा, लेकिन roll क्या करेगी? सिर्फ हमारी बॉल, क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है, तो वो कभी भी कहीं पे भी आप रख देंगे इसको रोल करती है. नेक्स्ट पोर्शन इज मैथमेटिकल रीजनिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग एबाकस शोज 14 मोर देन 24. वी हैव टू फाइंड कि एग्जैक्टली 14 मोर देन 24 क्या होता है. पहले हम इसे ऐड कर लेंगे, 14 एंड 24 इज 38. नाउ एबाकस में हम कैसे फाइंड करते हैं? बीट्स को गिनते हैं, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओ आंसर यही आ गया हमारा, 38 हमें फाइंड करना है, दिस इज द वन. सो हमने चूज कर लिया, वी डोंट हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ वन क्रेयॉन मींस वन यूनिट, देन टूथब्रश इज डैश यूनिट्स लॉन्ग. तो सिंपल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्रेयॉन्स दे रखे हैं विच इज इक्वल टू ब्रश. तो हमारा आंसर हो गया 7 यूनिट्स. हमें यही बताना है कि कितने क्रेयॉन लंबा है हमारा ब्रश. So this is the way you have to answer it. Identify the number. They have given a riddle over here. So read the riddle. I am a two-digit number. We have chosen two-digit number. We don't know what the number are. My tens number. Tens number is this one. Place digit is more than 8. 8 से ज़्यादा है. 8 से ज़्यादा तो 9 ही हो सकता है. 10 तो यहाँ आएगा नहीं, वो तो फिर हंड्रेड्स में चला जाएगा, इसलिए 9. My ones place digit is 2 less 1. तो ones 2 less 1 is 1. तो यहाँ पे 1 आएगा. तो आंसर इज 91, विच इज प्रिटी क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन वेइंग स्केल शोज पपी इज लाइटर देन. पपी क्या लाइटर है? जो लाइटर चीज होती है हमेशा वेट में वो क्या होता है? ऊपर चली जाती है. तो ये ऊपर है, ये नीचे है, दैट मीन्स पपी इज हैवियर. सो आंसर इज पपी इज हैवियर देन बैट. सिंपल ए. वी डोंट हैव टू आगे जाना ही नहीं, हमारे को पता लग गया आंसर क्या है. अब इस पिक्चर में दे रखा है, हाउ मेनी मोर लैम्प शुड बी क्रॉस्ड टू मेक द गिवन सब्ट्रैक्शन सब्टेंस ट्रू. अब उन्हें हमें दे रखा है 15 लेस
सिक्स की सब वो दे रखी है, हमारे को सेंटेंस बना रखा है। तो अब हमें ये 15 है इसके अंदर से 6 माइनस करने हैं, लेकिन ऑलरेडी दे हैव कैंसल्ड 1, 2, 3। तो हम और कितने कैंसिल करेंगे, 1, 2, 3 टू मेक इट 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 और कैंसिल करने पड़ेंगे, देन द आंसर विल बी 3। नाउ द नंबर ऑफ कैंडीज शोन हेयर इज डैश, हमें कैंडीज काउंट करनी है, विच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28। सो 28 कैंडीज दे रखी है। अब हमें इसे इस तरीके से बताना है। सो क्या हो गया, 2 tens, 2 tens, 8 ones। सो आंसर इज दिस वन। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, देयर आर डैश मंथ लाई बिटवीन मे एंड नवंबर। मे से लेके, दिस इज मे, हमने मे लिख लिया, नवंबर लिख लिया। अब इसके अंदर कितने मंथ्स आते हैं, जून में की बात आता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। सो 1, 2, 3, 4, 5 मंथ्स आते हैं इसके बीच में। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी डैश क्यू, पी प्लस क्यू। सो दे हैव गिवन अस अ फिगर ओवर हियर। हमें पहले पी और क्यू के नंबर्स ढूंढने हैं, तो देयर 5 में से हम लेस 2 करेंगे, क्योंकि प्लस का साइन है, तो 5 less 2 is 3। सो 2 add 3 is 5 हो जाता है। उसी तरह 4 less 1 करेंगे तो आंसर आ जाए 3। दैट मीन्स 3 add 1 is 4, दैट हमारा आंसर सही निकला है। नाउ क्यू भी 3 है और पी भी 3 है, दैट मीन्स पी एंड क्यू विल बी 6। उसे हमें ये क्वेश्चन दे रखी है, सो वी हैव टू आंसर दिस, आंसर इज दिस। हमें ये नहीं बताना कि पी और क्यू क्या है, वी हैव टू फाइंड पी एड क्यू। इसलिए पूरा हम आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे अच्छी तरह से। पी एड क्यू मीन्स 3 add 3, दैट मीन्स आंसर इज 6, ना कि ये है, ये रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट? यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज इन द गिवन सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे रखे हैं। हमें यहाँ से फाइंड करना है, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 7 है। सो आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट, द अमाउंट शोन हियर इज 20 add 20 is 40, एड 50, ये 10 है, 50 add 5, आंसर इज 55। वेरी सिंपल, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता इस पेपर में। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज एवरीडे मैथमेटिक्स। थोड़ा लॉजिक लगाना इस क्वेश्चन में। समिता हैज रैबिट विद द ग्रेटेस्ट 2-digit number। 2-digit number में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, विच इज 99। उसके बाद 100 आया था, वो 3-digit number हो गया था। और सबसे स्मॉलेस्ट 2-digit number इज 10। 10 से ऊपर है 9, विच इज 1-digit number। सो सबसे स्मॉलेस्ट वन इज 10 एंड द ग्रेटेस्ट वन इज 99। सो विच ऑफ द फॉलोइंग समिताज रैबिट, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ 99, दैट मीन्स हमारा आंसर इज यू। नेक्स्ट, काव्या हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैप्सिकम्स एंड सोनाली हैज 7 कैप्सिकम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो टोटल नंबर ऑफ कैप्सिकम्स, जब भी टोटल मांगते हैं, टोटल मीन्स यू हैव टू एड इट। तो 8 add 7 is 15, विच इज बी। तानिया हैज 48 beads, उसके पास 48 beads हैं। सिस्टर के पास उसकी 33 beads हैं। तानिया हैज डैश मोर बीड्स देन हर सिस्टर। इसमें टोटल नहीं पूछा गया है, उसे पूछा उसे कितनी ज़्यादा है अपनी बहन से। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट आवर क्वेश्चन हियर। तो 48 में से वी विल लेस 33, आंसर विल बी 15। तो उसके पास 15 ज़्यादा है अपनी सिस्टर से बीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखा हैज 100 rupees and 20 rupees। तो कितने रुपीज़ हो गए टोटल, 120 rupees। शिखे 50 rupees टू हर सिस्टर। तो हम 120 में से 50 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 70। सो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, 70 rupees। नेक्स्ट, सोहम हैज गिवन बकेट ऑफ पेंट, हैज द गिवन बकेट ऑफ पेंट। उस लड़की के पास एक बकेट है पेंट की, विच इज दिस वन। ना क्वांटिटी ऑफ 3 such buckets इज, एक बकेट में 15 है, तो 3 में कितनी होंगी, वी विल मल्टीप्लाई इट, 15 into 3 is 45। सो आंसर विल बी बी, विच इज 45। नेक्स्ट, स्नेहा बर्थडे इज टुमोरो, स्नेहा का बर्थडे कल है। इफ़ टुडे इज वेंसडे, अगर आज वेंसडे है तो कल क्या है, कल ऑब्वियसली थर्सडे होगा, देन हर बर्थडे विल बी ऑन थर्सडे। नेक्स्ट, देयर आर ओनली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रूस्टर्स एंड 1, 2, 3, 4 chicks। सो हाउ मैनी टोटल बर्ड्स आर देयर, वी हैव टू एड दम। टोटल पूछ रहा है, जब भी टोटल ऑल टुगेदर वर्ड आएगा, वी विल हैव टू एड इट।
तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 8 at 4 विच विल बी 12. नाउ निशा की पेंसिल इज डैश लॉन्गर देन निशा पेंसिल, दे हैव गिवन अस अ पिक्चर ओवर हियर. तो निशा की पेंसिल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 दैट इज 6 centimeters. और इसकी पेंसिल यहाँ से यहाँ तक है, सो लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 दैट मीन्स ये 5 है, दिस इज 5, दिस इज 6 centimeters. सो इन टोटल हम क्या करेंगे, अब हमें ये फाइंड करना है कितनी लॉन्गर है. तो 6 less 5 is 11, सो आंसर इज 1 centimeter. अनुराधा, नेक्स्ट क्वेश्चन. अनुराधा बेक्ड अ केक, शी कट्स अ केक इनटू 10 pieces. अनुराधा ने एक केक को 10 पीस में काट लिया, शी गेव 2 pieces, 10 में से 2 pieces उसने अपने फ्रेंड को दे दिए, शी इज लेफ्ट विद 8 pieces ना, एंड शी एट 5, उसे खुद भी 5 pieces खा लिए. नाउ 3 pieces आ, कितने बचे होंगे फिर, 3 pieces आर लेफ्ट विद अनुराधा, सो आंसर इज 3. द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, द वेट ऑफ आशा डॉल इज इक्वल टू 10 marbles. एक बच्चे की डॉल की जो वेट है दैट इज इक्वल टू 10 marbles. वट विल बी द वेट ऑफ 2 such dolls. हम उस एक और ऐड करेंगे तो उसका भी 10 होगा, तो 10 add 2 10 is 20. तो 20 marbles विल बी द वेट ऑफ 2 such dolls. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ केक एंड अ बर्गर इज 108 rupees एंड अ बर्गर इज 36 rupees. अगर हमने टोटल रुपीज़ दिए हैं 108 rupees फॉर बर्गर एंड अ केक, उसमें से 36 rupees का हमारा बर्गर है, तो हमें केक की प्राइस बतानी है, विच विल बी 108 less 36, आंसर विल बी 72 rupees. तो हमारा केक पड़ा है 72 rupees का. वैसे तो बड़ा सिम बहुत ही सस्ता है केक. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. इफ 10 इज एडेड टू 20 विल इट बी 28, द रिजल्ट विल बी 28, नो इट विल बी 30, सो इट्स अ रॉन्ग सिचुएशन. द नंबर लाइज बिटवीन 28 and 30 is 29, येस दिस इज करेक्ट. 9 tens एंड 3 ones इज 98, नो इट इज 93. तो ये स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट बी है विच इज करेक्ट. 5 less than 98 is 93. हाउएवर इट सेज 9 tens and 5 ones, नो इट इज 9 tens and 3 ones होना चाहिए, तो आंसर विल बी दिस वन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज अ वैल्यू ऑफ 28. सो लेट्स सी, 1 2 3 दिस इज 3, 1 2 3 4 दिस इज 34, 1 2 3 दिस इज 4, 1 2, 1 2 3 4 दिस इज 4. सो आंसर इज 34 less 14 इज व्हाट, 20. 28 तो है ही नहीं, दैट मीन्स इट्स नॉट अ राइट ऑप्शन. 1 2 3 4 दिस इज 4, 1 2 3 4 5 6 दिस इज 46, लेस 1 2 3 1 2, सो 46 less 32, आंसर इज 14. सो दिस इज नॉट द आंसर. नाउ दिस इज 1 2 3 4 4 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 49 less 1 2 and this is 2 and 1, 49 less 21, सो आंसर इज 28. दैट मीन्स दिस इज आवर आंसर. हमें ये ढूंढना था तो हम इस पर जाएंगे नहीं, जब आपका आंसर मिल गया तो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज स्टडी द फिगर केयरफुली. हमें फिगर दे रखी है एंड दिस इज अ बोर्ड. नाउ रीड, कार डैश इज अ फार्दस्ट फ्रॉम द गिवन पार्किंग बोर्ड. ये पार्किंग है, फार्दस्ट मतलब सबसे दूर. सो दूर कौन सा हो गया, पी वाला, सबसे लास्ट में यही है तो यही सबसे दूर है. कार डैश इज अ 4th position फ्रॉम अ गिविंग पार्किंग बोर्ड. पार्किंग बोर्ड ये है तो हमें कहाँ से काउंट करना है, यहीं से काउंट करना है. फ्रॉम अ गिवन पार्किंग बोर्ड से 4th position कौन सा है, 1st, 2nd, 3rd and this is the 4th. सो आंसर इज टी. आंसर विल बी पी एंड टी. ए का पी है एंड दिस इज द आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन. मैच ऑफ द फॉलोइंग, 1 2 3 4 5 दिस इज 5, एड 1 2 3 4 5, add 1 2 3 4 5. Now 5 is 15, that means it is this. 1 2 3 this is 3, 1 2 3 3 1 2 3 and 3, 3 4s are 12, answer is this one. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 at 9 is 18. So this is the way. अब कैसे होगा, P को किसके साथ match करा है, we have matched with 3. Q is matched with
1 and R is matched with what? 2. So answer is P3. P is 3, Q is 1 and R is 2. So this is the answer. I know it's for a logic lagana padta hai, but it's very simple. Now Akko, this is the way you have to do your questions. I hope you will like the video. Don't forget to share, subscribe and like it.